भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, आज मैं आपको निर्जला एकादशी की पावन कथा सुनाने जा रहा हूँ। निर्जला एकादशी का महत्व सबसे उत्तम है। इस एकादशी का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक में परम पद की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में कैसे मिले परम पद वो बतलाता हूँ, मैं वो बतलाता हूँ। निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। कैसे व्रत का फल मिलता है वो समझाता हूँ, पावन कथा सुनाता हूँ। निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। भक्तों, एक बार महाबली भीम व्यास जी के पास जाते हैं और अपने मन की व्यथा सुनाते हैं। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अर्जुन सभी मुझसे एकादशी के दिन उपवास रखने के लिए कहते हैं। यही बात मुझे परेशान कर रही है। वो चाहते हैं उनके साथ मैं भी व्रत का पालन करूं। महाबली बलवान भीम जी पहुँचे व्यास के पास, बुझा बुझा सा चेहरा था उनका, लगते बड़े उदास, लगते बड़े उदास। करके व्यास की चरण वंदना बैठ गए बलवान, देख भीम को इस हालत में व्यास हुए हैरान, व्यास हुए। व्यास भीम से पूछ रहे हैं कुशल क्षेम सब हाल, किस कारण मुरझाए हो तुम, किसका तुम्हें मलाल, किसका तुम्हें मलाल। कारण बहुत बड़ा लेकर के आया आपके पास, कष्ट निवारण कर दो व्यास जी, करना नहीं निराश, करना नहीं। हाथ जोड़ कर अपनी सारी व्यथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। निर्जला एकादशी की भक्तों कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। व्यास जी, मेरी माँ और मेरे सारे भाई मुझसे बार बार एकादशी का व्रत रखने के लिए कहते हैं, मुझसे हर एकादशी को उपवास रखने के लिए कहते हैं, और बिना भोजन के मैं रह नहीं सकता। कितना भी खाता हूँ फिर भी भूख लगी रहती है। पूरे दिन को छोड़ो, मैं तो पहर भर के लिए भी भूखा नहीं रह सकता हूँ। हंसी आ गई तुरंत व्यास को सुन के भीम की बात, बड़े प्रेम से भीम के सिर पर रखा व्यास ने हाथ, रखा व्यास ने हाथ। कठिन समस्या है ये तुम्हारी, समझ गया हूँ मैं, मन से निकाल फेंक दो अपने भूख प्यास का भय, भूख प्यास का भय। रोनी सी हो गई थी सूरत सुन के व्यास की बात, भूखे नहीं मैं रह सकता हूँ, भीम ने जोड़े हाथ, भीम ने जोड़े हाथ। दान पुण्य मैं खूब करूँगा, करूँगा पूजा पाठ,
वासुदेव भगवान का वंदन करूँगा मैं दिन रात, करूँगा मैं दिन रात। लेकिन भोजन करूँगा प्रतिदिन, सत्य बताता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ, निर्जला एकादशी के भक्तों कथा सुनाता हूँ मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। हे व्यास जी, मैं दान पुण्य जब तप सब करूँगा, वासुदेव भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर दूंगा, सारा दिन उनके नाम की माला फेरता रहूंगा, परंतु उपवास नहीं कर सकता हूँ। बिना एकादशी का व्रत किए फल प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई सरल उपाय हो तो कृपा करके मुझे बता दीजिए। मैं अपने पेट को कष्ट दिए बिना फल प्राप्त करना चाहता हूँ। भीम की बातें सुन के व्यास जी क्या बोले। मुस्काते हुए व्यास जी बोले, सुनो लगा के ध्यान, अगर तुम्हें है स्वर्ग की इच्छा, सुनो भीम बलवान, सुनो भीम बलवान। माह की दोनों एकादश का व्रत रखना होगा, सारे नियमों का तुमको पालन करना होगा, पालन करना के बातें भीम व्यास की बोले हैं कर जोड़, व्रत की सुन के मेरे पेट में उठने लगी मरोड़, उठने लगी मरोड़। तीनों समय का खाने वाला कैसे रखे उपवास, कोई दूजा यतन बता दो हे महाज्ञानी व्यास, हे महाज्ञानी। व्रत उपवास के नाम से ही मैं तो घबराता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ, निर्जला एकादशी के भक्तों कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। हे मुनिवर, मैं भूखा प्यासा रहने की सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में सुधा नाम की अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने के पश्चात भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके आप मुझको कोई ऐसा सरल सा व्रत बताइए जिसके करने मात्र से ही मेरा कल्याण हो सके। भीम के ऊपर दया आ गई, हंसे व्यास महाराज, एक सरल व्रत तुम्हें बताऊं भीम बलि तुम्हें आज, भीम बलि तुम्हें आज। ज्येष्ठ की एकादशी के व्रत का पालन करना तुम, मेरी बात का पालन करना, मना न करना तुम, निर्जल रहकर व्रत करना तुम, ना करना भोजन, करना जब स्नान तो जल भी कर लेना ग्रहण, कर लेना ग्रहण। स्नान आचमन में जल को ग्रहण कर सकते हो, सत्य कहूँ मैं भीम अन्न को ना छू सकते हो, ऐसा करने से क्या होगा वो समझाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ, निर्जला एकादशी के भक्तों कथा सुनाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, सब सुनो लगा के ध्यान, ये कथा है बड़ी महान। सुनो भीमसेन, ज्येष्ठ मास एकादशी को
निर्जला व्रत करना, स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हो और अन्न ग्रहण करना वर्जित है। अन्नाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम भी जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो, उससे तुम्हारे पूर्वकृत एकादशियों की अन्न खाने का पाप समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। ज्येष्ठ के एकादशी का व्रत करना जीवन पर्यंत, भीम तुम्हारे सब पापों का हो जाएगा अंत, हो जाएगा अंत। गौ का दान ही महादान है, करना गौ का दान, भला करेंगे सदा तुम्हारा वासुदेव भगवान, वासुदेव भगवान। व्यास की आज्ञा मान भीम फिर घर को आते हैं, ज्येष्ठ मास की एकादशी का नियम निभाते हैं, नियम निभाते हैं। निर्जल रह के भीमसेन ने रखा फिर उपवास, पूर्व काल के पाप दोष सब हो जाते हैं नाश, हो जाते हैं नाश। हाथ जोड़ सुखदेव व्यास को शीश झुकाता हूँ, मैं कथा सुनाता हूँ निर्जला एकादशी की भक्तों, कथा सुनाता हूँ मैं, कथा सुनाता हूँ।